अब मैं जिन वक्ता को आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं, निश्चित रूप से वो आपको एक नई दिशा की ओर ले जाएंगे, एक नई दृष्टि की ओर ले जाएंगे, और उनकी दृष्टि से हम सब लोग प्रभावित ही नहीं होंगे, हम लोग उसको प्रेरक मान के अपने जीवन में काम करेंगे। मैं आदरणीय डॉक्टर एनपी सिंह जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और आकर हमारा मार्गदर्शन करें। डॉक्टर एनपी सिंह जी, महर्षि पतंजलि धन्वंतरि चरक और सुश्रुत को एक साथ 20वीं सदी के उत्तरार्ध में चरितार्थ करते हुए और 21वीं सदी में क्रियान्वयन के स्तर पर लाने वाले स्वामी रामदेव जी, बहन मोनिका जी, आचार्य शांतनु जी, और जिनके आदेश पर मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। संजय जी ने कहा कि मैं विशेषज्ञ हूँ, मैं विशेषज्ञ नहीं हूँ, लेकिन इतने महनीय संकल्प के साथ आशीष जी कार्य करते हैं, इसलिए उनके आदेश की अवहेलना, अवमानना करने की हिम्मत मुझ में नहीं होती, इसलिए उनका कोई भी आदेश शिरोधार्य करते हुए मैं आपके बीच उपस्थित हूँ। सर्वप्रथम मैं विश्व की के सबसे पवित्रतम स्थल संगम किस भावभूमि को प्रणाम करता हूँ, जिस माँ गंगा को गीता में भगवान कृष्ण ने कहा, स्रोतसाम अस्मि जाह्नवी, कि जल के स्रोतों में मैं गंगा हूँ। इसलिए उस गंगा के किनारे कुंभ के महनीय सांस्कृतिक परंपरा, विमर्श की जो सांस्कृतिक परंपरा हमारी है सनातन, उसके महापर्व पर जो आप सभी लोग यहाँ बैठे हैं, उन समस्त आत्मस्वरूप भाइयों बहनों में अंतर्भुक्त ऊर्जा को भी मैं प्रणाम करता हूँ। आज का विषय निश्चित रूप से बहुत ही गूढ़ है और उसमें जितने भी शब्द हैं सभी महत्वपूर्ण हैं। वैश्विक शांति और हिंदुत्व, प्रश्न ये उठता है कि हम शांति की परिभाषा क्या करते हैं। अभी आचार्य शांतनु ने अपने अंतस के हलचलों, आवेगों, घात प्रतिघातों से परे हटते हुए मन को नियंत्रित करने की जो भारतीय संस्कृति की निकष तत्व है उसकी ओर इंगित किया है, लेकिन साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगा कि शांति कोई स्थिरता नहीं होती, शांति कोई निष्क्रियता नहीं होती, शांति कोई जड़त्व नहीं होता। शांति की परिभाषा हमें गतिशीलता के संदर्भ में ही तलाशना होगा और मुझे लगता है कि शांति तभी हो सकती है जो दमन की चुप्पी न हो, बल्कि सत्य और न्याय पर अधिष्ठापित अवस्थित एक व्यवस्था हो। कोई ये कहे कि संघर्ष होगा ही नहीं, कोई ये कहे कि संवेग और आवेग होंगे ही नहीं, तो यह प्रकृति के तीन जो गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, जो गीता में भगवान कृष्ण ने भी कहा है कि मनुष्य कर्म तो करेगा ही, और इस प्रकृति के तीनों गुणों के आधार पर उसकी गतिशीलता होगी और उनके अनुपात, उनके रसायन का तत्व जिस प्रतिशत में होगा उस अनुपात में उसके द्वारा कर्मशीलता होगी। यदि सतोगुण प्राधान्य होते हुए शम दम तप शांति आर्जनों ज्ञान विज्ञान की आसक्ति की प्रधानता होगी हमारे व्यक्तित्व में, तो निश्चित रूप से उससे निकले हुए निश्चित सभी कर्म हमें शांति का पाथेय बनेंगे, और यदि ऐसा नहीं होगा तो अशांति का मार्ग प्रशस्त करेंगे। आज विश्व की स्थिति को देखें, अगर उसकी हम राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, चिंतनात्मक परिप्रेक्ष्य को देखते हैं
तो राजनीतिक धरातल पर भी पूरे विश्व में आपको विविधता दिखाई पड़ेगी। कहीं पर साम्यवाद है, कहीं पर उदारवादी लोकतंत्र है, कहीं पर समाजवादी लोकतंत्र है, सोशलिस्टिक डेमोक्रेसी, कहीं पर अभी भी राजतंत्र है, और अनेक स्थलों में, अनेक देशों में अभी भी पंथिक विश्वास के आधार पर राज व्यवस्था है। जैसे बगल का देश पाकिस्तान इस्लाम पर आधारित, सऊदी अरेबिया राजतंत्र और इस्लाम पर आधारित, हमारे अनेक विश्व में ऐसे देश हैं जो इन पांचों राजनीतिक व्यवस्थाओं से किसी न किसी रूप से जुड़े हुए हैं। और जब हम आर्थिक व्यवस्था में देखते हैं तो वहां भी एक अंतर विरोध दिखाई पड़ता है। वो अंतर विरोध है कहीं पूंजी को अधिनायकत्व देते हुए, पूंजीवाद जो प्लूटोक्रेसी और क्रॉन्जी कैपिटलिज्म की ओर आगे बढ़ाता है, जिसने शुरुआत तो की उदारवाद से, खुले बाजार से, लेकिन उसमें आने वाली विकृतियों के आधार पर जब पुनः युवकों में रोजगार की कमी, माइग्रेशन, सोशल मोबिलिटी के बढ़ने की वजह से आंतरिक वहां की सामाजिक संरचनाओं में विभेद, और कुछ खास स्थलों पर आर्थिक गतिविधियों का संकेंद्रण, कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज एट वन प्लेस, उसकी वजह से जो एक भौगोलिक विषमता और पूंजी के आधिपत्य की विषमता जो पैदा हो गई, उससे वो देश भी अब प्रोटेक्शनिज्म की ओर आगे बढ़ने लगे हैं, संरक्षणवाद की ओर आगे बढ़ने लगे। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है जो अशांति का कारण हो रहा है। मैं इसलिए इन बातों को आपसे बहुत ही संक्षेप में चर्चा कर रहा हूँ कि आखिर विश्व में अशांति के कारण हैं क्यों। एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट, दूसरा इकोनॉमिक कॉन्फ्लिक्ट, इकोनॉमिक एक्टिविटीज की भी, आर्थिक गतिविधियों की भिन्न भिन्न धाराएं, दूसरी ओर एक साम्यवाद है जो पूंजी के अधिनायकत्व के ठीक समानांतर विपरीत खड़ा है, लेकिन वो सर्वहारा के आधिपत्य की बात करता है, अधिनायकत्व की बात करता है, डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरियट, वहां भी अधिनायकत्व आ गया। और तीसरी ओर अर्थव्यवस्था में ही एक ऐसा बहुत बड़ा तंत्र कॉन्फ्लिक्ट का, परस्पर विरोधाभासी संघर्षों का खड़ा होता है, जब विकसित देश अविकसित देशों के पर्यावरण की कीमत पर अपनी प्रगति तो करना चाहते हैं, लेकिन जब विकासशील देश उस आर्थिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो कार्बन क्रेडिट और कंपेंसेशन की बात करते हैं। ये पर्यावरण को लेकर के भी, पर्यावरण बनाम आर्थिक गतिविधियों की तेजी की गतिशीलता, इनकी द्वंद्वात्मकता से भी एक अशांति का वातावरण पैदा हो रहा है। और जहां पर अभी फ्यूडलिज्म है, मोनार्क है, वहां पर आर्थिक गतिविधियों पर पूंजी और श्रम नहीं बल्कि शक्ति का अधिनायकत्व है, और जहां पर पंथिक विश्वासों पर कोई राज व्यवस्था चल रही है वहां की आर्थिक गतिविधियां भी पंथ आधारित अधिनायकत्व से ग्रसित। इतने तरह के आपको पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कॉन्फ्लिक्ट तो है ही, साथ ही सांस्कृतिक और चिंतन के स्तर पर भी आपको अनेक प्रकार की विविधताएं पूरे विश्व में दिखाई पड़ती हैं, और उनके बीच में समन्वय क्यों नहीं हो पाता, उनके संघर्षों के विरोधाभासों का शमन क्यों नहीं हो पाता, उसका बहुत बड़ा कारण है जो हमारा भारतीय जीवन दर्शन उनको दिशा दे सकता है, वो इस पर आधारित है कि जो स्वामी विवेकानंद कहते थे कि अनेक देशों के धर्म की शुरुआत या तो पितरों की पूजा से प्रारंभ होकर देव और ईश्वर तक पहुंची है, या प्रकृति के मानवीकरण से लेकर देवों और ईश्वर की यात्रा की है, लेकिन भारतीय जीवन दर्शन ने धर्म में अध्यात्म को मौलिक आत्मा माना है, और उसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि इंद्रियों से अतिक्रमण का संघर्ष ही हमारा धर्म है भारतीय जीवन दर्शन का,
और जब हम अपनी इंद्रियों का जो विस्तार है बाह्य जगत से पर्यावरण से जोड़ते हैं तो हमारी इंद्रियां जब आगे की ओर विस्तृत होती हैं, विस्तार पाने लगती हैं, अगर उनमें कहीं शम दम तप पवित्रता सत्यनिष्ठा सहिष्णुता ज्ञान विज्ञान की आसक्ति समन्वय समंजन नहीं होता तो वह विस्तार निश्चित रूप से घातक होता है और आपस में एक ऋणात्मक संघर्षों की पूर्वपीठिका रचता है और अशांति की ओर हमें लेकर आगे बढ़ाता है। भारतीय जीवन दर्शन में आध्यात्मिक जो तत्व है वो निश्चित रूप से हमें एक ऐसे जीवन दर्शन की ओर ले जाता है जिसे हम हिंदुत्व कहते हैं कि जो हमारे आत्म को सर्वांगीण रूप से साक्षात्कृत करता है और आत्मसंयम के माध्यम से सब में जो आचार्य जी कह रहे थे शिवो अहम अहम ब्रह्माष्ट ईशा वाश्वेदम सर्वम यत्किंचित जगत्याम जगत सब में कणकण में भगवान हर ब्रह्मांड के प्रत्येक कण में भगवान ईश्वर इस जो कल्पना जो अध्यात्म की हमारी है जो हमें एक दिव्य ज्ञान प्रदान करता है वह दिव्य ज्ञान ही बाह्य और आत्म के संपर्क से उपजी हुई विकृतियों पर विजय प्राप्त करने का साधन हो सकता है। वैसे ही जैसे विज्ञान के विद्यार्थी इसको समझ सकते हैं कि यदि आपका न्यूक्लियस स्ट्रांग नहीं है अगर आपका नाभिकीय शक्ति मजबूत नहीं है तो उस तत्व का विस्तार उस तत्व को कमजोर करता है क्योंकि उसकी तरंगों का जो विस्तार होता है उसकी जो कक्ष की जो रेडियस जो बढ़ने लगती है तो न्यूक्लियस शिथिल हो जाता है और न्यूक्लियस का शिथिलीकरण उसके पूरे तत्व के अस्तित्व को ही समाप्त कर देता है। इसलिए आवश्यकता है हमारी न्यूक्लियस मजबूत हो। इसीलिए हमारे भारतीय जीवन दर्शन में दोनों को महत्व दिया गया है कि हमारा जो अंतस है उसकी जो जटिलताएं हैं मन में जो उठती हुई तरंगे हैं जो आरोह अवरोह है जो उसके डांसिंग ऑसिलेशंस हैं हमारे अंतस के उस नृत्य करती हुई कंपन की शक्ति को हम किस तरह ऊर्जान्वित रखें कि जिससे उस प्लेटफॉर्म पर कोई भी किसी तरह की भी कोई प्रवृत्तियां आती हों या किसी भी गतिविधि का सांसारिक जीवन में हम संपर्क करते हों संयोजन करते हों तो हमारा अंतस जो है जो न्यूक्लियस है वो हिलने ना पाए। ये हमारा भारतीय जीवन दर्शन। और मैं कुछ ऐसे बहुत सारे दर्शन हो सकते हैं। वेस्टर्न यूरोप के लोगों ने हमारे देश के जो भी विचार थे उनको ऐसा घोषित कर दिया है सिर्फ सांस्कृतिक उपनिवेशवाद को बढ़ाने के लिए कि जैसे हमारे देश के जो भी विचार हैं वो अवैज्ञानिक अतार्किक जादू टोनों का देश है भारत। एक ऐसी उन्होंने एक परिकल्पना रच दी थी अंग्रेजों ने इस देश को गुलामी को निरंतरता बनाए रखने के लिए और हमें ये फॉल्स परसेप्शन बनाने के लिए जिसमें हमारे देश के बहुत सारे बुद्धिजीवी इसमें योगदान करते हैं करते रहे हैं बहुत अच्छे अच्छे लोग भी कि जो ये मानते हैं कि हमारे भारतीय दर्शन में कुछ नहीं है बल्कि जो पाश्चात्य लोग आए उन्होंने हमें सभ्य और सुसंस्कृत बनाया और वो भी गर्व करते हैं कि हमने सिविलाइज किया। ब्रिटिश पार्लियामेंट की बहसों में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान बहुत सारे अगर पार्लियामेंटेरियंस उनके अगर भाषण देखिए तो वो कहते हैं कि हमने तो भारत में हम गुलाम नहीं किए हैं भारत को बल्कि भारत को हम सभ्य और सुसंस्कृत बना रहे हैं। लेकिन वो अवधारणा अकेले एक स्वामी ने शिकागो में जब उन्होंने भारतीय दर्शन के निर्यातक के रूप में अपने विचार रखे तो पूरी धर्म संसद विश्व की हिल गई और उन्हें पहली बार आभास हुआ कि नहीं भारतीय संस्कृति एक ऐसी संस्कृति है जो किसी का दमन नहीं करती ऐसी संस्कृति है जो किसी पर आक्रमण नहीं करती ऐसी संस्कृति है जो सत्य और न्याय तप पर आधारित है और एक ऐसी संस्कृति है जो प्रेम भक्ति और दिव्य ज्ञान पर आधारित है।
एक ऐसी संस्कृति है जो ज्ञान और आसक्ति पर आधारित है। विवेकानंद जी ने जब वो परचम फहराया और उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में बहुत सारे स्वामी योगानंद, बहुत सारे ऐसे स्वामी लोगों ने भूमिका अदा की, और मैं कहना चाहूँगा बहुत गर्व के साथ कि स्वामी रामदेव भी उसी श्रृंखला के एक अद्भुत नक्षत्र हैं जिन्होंने भारतीय संस्कृति को, योग दर्शन को एक स्थापित करने की कोशिश की कि वैज्ञानिक दर्शन है। और जिस संस्कृति में, जिस जीवन दर्शन में लोग आरोप लगाते हैं कि यह समावेशी नहीं है, इस संस्कृति में विवर्ष की गुंजाइश नहीं है, इस संस्कृति में विविधता नहीं है, इस संस्कृति में व्यापकता नहीं है, यह संस्कृत अवैज्ञानिक है, यह सोच निष्क्रिय है, उदासीन है, निराशावाद को बढ़ावा देती है, इस तरह के आरोप लगाए जाते हैं हमारी भारतीय जीवन दर्शन पर। मैं उनको बहुत ही थोड़े में जवाब देना चाहूँगा कि हमारी भारतीय संस्कृति ऐसी संस्कृति है जो सजग रूप से गतिशील है। हम हठधर्मी नहीं होते। आप मुझे बताइए कि तमाम विश्व के ऐसे धर्म और पंथ हैं जिनकी सिर्फ एक पुस्तक होती है, एक महानायक होता है, एक ध्वज होता है। हठधर्मिता वहां है या हठधर्मिता हमारे जीवन दर्शन में है जहां पर न कोई एक व्यक्ति महापुरुष हमारे किसी धर्म का संपूर्ण रूप से प्रतिनिधित्व करता हो या एक ध्वज प्रतिनिधित्व करता हो। तमाम विचार, तमाम चिंतन को एक समानांतर रूप से पनपने का, पुष्पित पल्लवित होने का अवसर अगर कोई भारत कोई दर्शन देता है तो भारतीय जीवन दर्शन। आप अगर न्याय में विश्वास करते हैं, न्याय जो हमारा धर्म का एक दार्शनिक चिंतन है, मैं न्याय जस्टिस की बात नहीं कर रहा हूं, वैशेषिक में विश्वास करते हैं तो भी आप भारतीय जीवन दर्शन के हैं। पूर्व मीमांसा में विश्वास करते हैं, वेदांत में विश्वास करते हैं, सांख्य में विश्वास करते हैं, पतंजलि के योग में विश्वास करते हैं तो भी आप भारतीय जीवन दर्शन के हिस्से हैं। आप बौद्ध को मानते हैं, जैन को मानते हैं, माध्यमिक को मानते हैं, लोकयातिक को मानते हैं, सौदांत्रिक को मानते हैं, इन सारे जीवन दर्शनों का पुष्पगुच्छ भारतीय संस्कृति है। कोई अकेली कोई एक दर्शन, कोई अकेला एक विचार भारतीय जीवन दर्शन का संपूर्णता में प्रतिनिधित्व नहीं करता। हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जी भी आपके बीच पधारे हैं, मैं उनका भी अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, और मैं आग्रह करता हूँ कि सर अपना स्थान ग्रहण करें, हम लोग आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे। सर, तो मैं जो कहना चाह रहा था कि भारतीय जीवन दर्शन ही एकमात्र ऐसा दर्शन है जिसमें विविधताओं को सम्मान मिलता है। बहुत सारे लोग आरोप लगाते हैं कि भारतीय जीवन दर्शन सहिष्णु नहीं है। भारतीय जीवन दर्शन सहिष्णु ही नहीं, सहिष्णु शब्द तो थोड़ा ऋणात्मक होता है। भारतीय जीवन दर्शन ऐसा है जो समस्त विचारों चिंतनों का सम्मान करता है, अभिनंदन करता है, स्वागत करता है, और परस्पर वैचारिक विमर्श से उसमें से ज्ञान की मणि तलाशने का प्रयास करता है। और शायद उसी परंपरा का ही सबसे बड़ा प्रतीक पर्व हमारा कुंभ है, जिसमें कि हम आह्वान करते हैं कि आओ, सभी पंथों के लोग आओ, सभी पगडंडियों से आओ, सारे मार्गों से आओ, सारे रास्तों से आओ, सारे अपने विचारों को लेकर यहाँ एक घट की तरह परिवर्तित हो जाओ, और वैचारिक विमर्श के बाद तुमसे निकलने वाला अमृत सबको जीवन में एक नई दिशा बोध दे सके, ऐसा हमारा कुंभ है। और जिस देश में हजारों सहस्त्राब्दियों से ऐसी परंपरा विमर्श की हो, उस देश के जीवन दर्शन को कैसे कोई असहिष्णु कह सकता है, बहुत ही आश्चर्य की बात है। यहाँ पर सारे पंथों को विचार करते हैं, सबको सम्मान करते हैं, और हमने सारे परिवर्तनों का भी अभिनंदन किया है, लेकिन उन परिवर्तनों को दूसरी संस्कृतियों से सीखने की जो भी हमारे पास अवसर थे उसके लिए हमने गवाक्ष तो खोले, लेकिन हमने अंधड़ों का आलिंगन नहीं किया है, हमने आधियों का स्वागत नहीं किया है। और यही कारण है कि हमारी सनातन प्रोहमानता जो मूल्यों की है, निकस तत्व है भारतीय जीवन दर्शन का, वो पूर्णतः स्थापित है। कोई भी जीवन दर्शन महत्वपूर्ण तभी होता है जब उसमें व्यापकता हो।
हम किसी भी जीवन दर्शन को, किसी फिलॉसफी को स्वीकार तभी करते हैं जब उसमें हमारे निज के प्रश्न, हमारे जो इंटरैक्शंस होते हैं दूसरे व्यक्ति से, समाज से, प्रकृति से, समूहों के मध्य, उन सबका कोई समाधान मिलता हो। भारतीय संस्कृति एक ऐसी संस्कृति है, जीवन दर्शन है, जिसमें वेस्ट से लेकर समस्त तक के सारे समीकरणों का समाधान मिलता है। और ऐसी संस्कृति है जो सृजन से प्रलय, प्रलय से पुनर्जीवन तक की समस्त यात्राओं पर जितने भी प्रश्न खड़े होते हैं सबके समाधान करने का साहस रखती है। और यही जीवन दर्शन उसे टकराने और उनका एक अर्थान्वति तक पहुंचाने की क्षमता रखता है। हमारा ही दर्शन ऐसा है, जीवन दर्शन, जिसमें विविधता, सजग गतिशीलता और विविधता के साथ साथ एकात्मकता भी है। जितने भी दर्शन हैं वो भिन्न भिन्न विचार हो सकते हैं, लेकिन उन चिंतनों की जो मौलिक आत्मा है, जो मूल तत्व है, जो निकष तत्व है, वो एक ही है। और वो ये है कि हमारा जीवन अंतस और बाह्य दोनों ही आचरण हमारा पवित्र होना चाहिए, वेस्टि और समष्टि दोनों में भी समन्वय होना चाहिए। और जो भी हमारी नीतियां हैं वो सत्य पर आधारित होनी चाहिए, ज्ञान, प्रेम और भक्ति पर आधारित होना चाहिए हमारा जीवन दर्शन। और ऐसा जीवन दर्शन ही हमें शांति का पाथे और मार्ग दे सकता है। एक छोटे से एक दो उदाहरण हम दे सकते हैं आपको। अगर आप यूरोप में पूछें कि सबसे महान राजा कौन था तो सामान्य रूप से लोग नेपोलियन का नाम लेंगे, लेकिन हमारे देश में अगर चर्चा होती है कि सबसे महान राजा कौन था तो हम चर्चा करते हैं भगवान राम की, हरिश्चंद्र की और अशोक की। ये बहुत बड़ा अंतर है, क्योंकि हम बाहुबल मैस्कुलिनिज्म को रिस्पेक्ट नहीं करते। वी नेवर एडोर टू मैस्कुलिनिज्म, हम उसकी संवेदना के पक्ष को ज्यादा महत्व देते हैं और हम आक्रमण नहीं करते, शांति की ओर अग्रसरित होता है जीवन दर्शन। ये भगवान राम के जीवन से भी उदाहरण मिलता है। मां सीता के अपहरण के बाद भी शांति का प्रस्ताव भेजना और उस प्रक्रिया के दौरान जब व्यक्ति व्यथित होता है उसके बावजूद भी उस दौर में राज्य, वन और रक्ष संस्कृत के बीच एक अनवरत संघर्ष चलता था। लेकिन भगवान राम साम्राज्यवादी परंपरा के नहीं थे, इसलिए उन्होंने किसी भी राज्य में, चाहे वन में राज्य रहा हो बाल सुग्रीव की कथा, चाहे लंका में कोई अन्याय रहा हो, तो उन्होंने अन्याय का प्रतिकार किया और ऐसे ही राजा को उन्हीं के बीच में से ही राजा बना करके उन्होंने कॉलोनियलिज्म को बढ़ावा नहीं दिया, उन्होंने एक फेडरेशन को बढ़ावा दिया। और जो एक फेडरेशन को बढ़ावा देने का, जिसको हम बाद में समुद्रगुप्त की चर्चा करते हैं और आज यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ी तारीफ करता है राष्ट्रों के फेडरेशन की, उसके सबसे बड़े प्रणेता भगवान राम थे, जिन्होंने कि वनों और भिन्न संस्कृतियों के भी राजाओं के मध्य में मूल्यों और संस्कृति का एकीकरण करते हुए उन पर आधिपत्य स्थापित नहीं किया, बल्कि मित्र भाव स्थापित करके एक फेडरेशन का स्ट्रक्चर खड़ा किया। उसी तरह जब आपने पढ़ते होंगे महाभारत के शांति पर्व में, जब युधिष्ठिर भीष्म से पूछते हैं कि राजा का प्रथम कर्तव्य क्या होता है, तो भीष्मपितामह में उनसे कहते हैं कि अन्यान्य और बहुत कुछ राजा के दायित्व हो सकते हैं, लेकिन एक सबसे बड़ा दायित्व राजा का ये होता है कि उसकी प्रजा की उसी तरह रक्षा करे जैसे माँ अपने शिशु को अपने गर्भ में भ्रूण रूप में उसकी रक्षा करती है, उसको सारे वातावरण के प्रहारों से बचाती है। वो रक्षा करना राजा का कर्तव्य है, लेकिन उससे पहले जरूरी है कि राजा जहां तक संभव हो युद्ध को टाले। वह युद्ध को टालना मतलब शांति स्थापित करने के सारे प्रयासों के बावजूद अगर सत्य और न्याय संकट में हो तभी आक्रमण होना चाहिए, तभी युद्ध होना चाहिए। ये भीष्म पितामह हजारों साल पहले युधिष्ठिर को संदेश देते हैं। ये हमारे भारतीय जीवन दर्शन की पवित्रता है, उसकी शक्ति है कि हमने कभी किसी पर आक्रमण नहीं किया। अगर हम पर किसी ने आक्रमण किया तभी हमने प्रतिरोध किया, तभी हमने आत्मरक्षा की, तभी उसको सत्य की ओर ले जाने के लिए उसको मजबूर किया,
लेकिन कभी हमने युद्ध को हमारी फिलॉसफी का अंश नहीं था। गीता में भी जहां पर भगवान कृष्ण अर्जुन को बार बार धर्म युद्ध के लिए प्रेरित करते हैं, उसी में बार बार कई अध्यायों में कई श्लोकों में बार बार ये कहते हैं कि जब युद्ध अपरिहार्य है तब तुम्हारा कर्म है, लेकिन अहिंसा परमो धर्मा, अहिंसा सबसे महत्वपूर्ण गुण होना चाहिए। ये गीता जैसे युद्ध क्षेत्र में भगवान कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए भी इस बात को बार बार कहते हैं। एक अंतिम बात मैं कहते हुए अपनी बात को समाप्त करूंगा, जो हमारे जीवन दर्शन पर लोग आरोप लगाते हैं कि यहां पर जब हम अंतस की बात करते हैं तो हम बाह्य प्रकृति को भूल जाते हैं और हम सिर्फ आत्म तक केंद्रित हो जाते हैं और निष्क्रिय हो जाते हैं, कर्महीन हो जाते हैं। ऐसा नहीं है, हमारी संस्कृति कभी भी कर्म से पलायन को नहीं मानती। गीता में भी भगवान कृष्ण बार बार कहते हैं कर्म से परित्याग नहीं, कर्म का परित्याग नहीं, कर्म से विरक्त नहीं, बल्कि कर्म के फल से विरक्ति हमारा संन्यास। अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्मम करोति स यह सन्यासी योगी। सन्यासी योगी वही है जो कर्म के फल से त्याग करता है, कर्म से त्याग नहीं करता। इसलिए हमारी संस्कृति को कैसे कोई निष्क्रिय और अकर्मशील कह सकता है। और जो अवैज्ञानिकता की बात थी, अभी एक युवक अरोड़ा जी का बेटा बहुत ही प्रतिभावान कुछ विज्ञान की बातें पूछ रहा था, लास्ट में मैं सिर्फ एक मिनट में बात करके अपनी बात खत्म करूंगा कि हमारी संस्कृति वैज्ञानिक भी है। सिर्फ एक उदाहरण आपको देके अपनी बात खत्म करूंगा। अगर आपने नटराज नृत्य को देखा हो, भगवान शिव के एक हाथ में त्रिशूल, एक हाथ में डमरू, एक हाथ ऐसे इशारा करता हुआ, दूसरा पैर, एक पैर दूसरे पैर पर इस तरह से, और एक पैर के नीचे एक डेमन राक्षस, आपने देखा होगा, ये शिव का नृत्य है। मैं इसको, मैं चूंकि फिजिक्स का आदमी हूं, मैं आपको पार्टिकल फिजिक्स से समझाता हूं कि कैसे, मैं सूडो साइंस ये नहीं कहता, उस समय उनको पार्टिकल फिजिक्स की आज की थ्योरी मालूम थी, लेकिन मेटाफिजिकल प्लेन पर उनका चिंतन बहुत ही महनीय था। आज की पार्टिकल फिजिक्स ये कहती है एवरी पार्टिकल इन द कॉस्मोस इज एन ऑसिलेटिंग वेव बिटवीन टू ऑपोजिट पोल्स, दो विपरीत ध्रुवों के मध्य नृत्य करती ऊर्जा, दो विपरीत ध्रुवों के मध्य नृत्य करती ऊर्जा निरंतर प्रगतिगामी प्रगतिशील, यह प्रत्येक ब्रह्मांड के कण के अस्तित्व का कारण है, ये फिजिक्स कहती है। अब आप देखिए, डमरू क्रिएटिविटी सर्जना, त्रिशूल विध्वंस, सर्जना और विध्वंस के मध्य नृत्य करती ऊर्जा, और यह हाथ कहता हुआ कि निरंतर आगे बढ़ते चलो, डायनेमिज्म इज द कोर ऑफ द वैल्यूज, आगे बढ़ते चलो, निरंतर प्रगतिशील रहो, और एक पैर जो ऊपर है उसके डेमन, वो कहता है ऐसे इशारा करते हुए, चौथा हाथ राइज अबव, किससे ऊपर उठो, डेमन इज माया, वो आसुरी प्रवृत्तियां जो लोभ काम मोह क्रोध पर आधारित होकर के हमारे स्व को सूक्ष्म को स्थूल में विस्तार करते समय तमाम तरह की जो आश्रित प्रवृत्तियों का मार्ग प्रशस्त करने लगती हैं, आप उनसे ऊपर उठ जाओ। इस तरह आप देखेंगे तो भौतिकी का आधुनातन सिद्धांत शिव नृत्य के उस सिंबॉलिक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में पूरी तरह से ध्वनित होता है। इस तरह के तमाम ऐसे उदाहरण हैं जब कभी किसी प्रसंग में हम आपसे चर्चा कर सकते हैं कि पार्टिकल फिजिक्स की जो थ्योरीज थी वो हमारे ऋषि परंपराएं मेटाफिजिकल प्लेन पर उनका चिंतन उतना महनीय था। इसलिए हमारा भारतीय जीवन दर्शन जो सम दम तप प्रेम पर आधारित है, व्यष्टि और समष्टि के समन्वय पर आधारित है, वही सामाजिक आर्थिक राजनीतिक रूप से सौहार्द स्थापित करते हुए विश्व में शांति का मार्ग प्रशस्त कर सकता है, व्यक्तियों के बीच में ही नहीं बल्कि पर्यावरण पे भी, तमाम ग्रहों नक्षत्रों निहारिकाओं आकाशगंगाओं वनस्पतियों के मध्य भी शांति की स्थापना कर सकता है, जिसका उद्घोष हमारे ऋषि परंपराएं करती रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।